नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल ई सर्विसेस में। आज के शुरू में यहाँ पे बात करेंगे एक्सिस बैंक का एफडी क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज हुआ है, वो भी यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट वीडियो देखिए, पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए अक्सर ऐसा होता है, अक्सर क्या हमेशा ऐसे होता है कि आप अपने एफडी कार्ड का लिमिट इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। करना रहेगा तभी कर सकते हैं, जब तक आपका यहाँ पे लिमिट मतलब इंक्रीज करने के लिए एफडी अगर नहीं करेंगे तो आपको एडिशनल एफडी करना पड़ेगा, उसको और बढ़ाने के लिए और यहाँ पे एफडी करना पड़ता है। जितना आपको लिमिट चाहिए उतना आपको एफडी करना पड़ता है, ये हर बैंक का नियम है। लेकिन एक ऑप्शन और रहता है कि आप अगर कार्ड अपग्रेड का ऑप्शन आता है तभी जाके आपका लिमिट इंक्रीज भी हो सकता है, कार्ड सिक्योर से अनसिक्योर हो सकता है, ये चांसेस यहाँ पर रहता है। एक्सिस बैंक में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा, एक मेल करने पे लिमिट इंक्रेस हो गया, एक मेल करने पे लिमिट इंक्रेस हो गया 52,000 से डायरेक्टली 1,15,000 हो गया, 52,000 से ठीक है 1,15,000 यहाँ पे लिमिट हो गया। लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, पहले का लिमिट भी दिखाऊंगा और यहाँ पे करंट में जो लिमिट हुआ है वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा और कैसे हुआ ये सब यहाँ पे बताऊंगा। योगेश भाई है जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, बताया कैसे इनका यहाँ पे लिमिट इंक्रेस हुआ, फिर उन्होंने मेल पे भी यहाँ पे पूरे डिटेल में मुझे बताया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इनका PDF है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट है कार्ड का, वो भी मुझे भेजे ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं, सबसे पहले इनका यहाँ पे देखिए, पहले जैसा कि आपको पता है सिविल के लिए यहाँ पे कोई भी कार्ड के लिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका सिविल होना बहुत यहाँ पे ज़्यादा जरूरी है। तो ये क्या किए थे, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इंडसइंड बैंक का यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे एफडी पे लिया था जिसकी लिमिट थी 68,000, मतलब एफडी पे लिए थे 68,000 की लिमिट मिली, 2 साल यूज किए, फिर इन्होंने क्या किया बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड टू कार्ड अप्लाई किया। जैसा कि आपको पता है एफडी कार्ड रहेगा तो आप कार्ड टू कार्ड ले सकते हैं, उसमें इनको मिली लिमिट यहाँ पे 40,000 की। फिर ये क्या किए यहाँ पे इनको यहाँ पे मिला IDFC का प्री अप्रूव ऑफर 78,000 की लिमिट के साथ, मतलब जैसे ही यहाँ पे कार्ड लिए सिविल वगैरह अच्छा होता गया, 2 साल यूज़ किए भाई सिक्योर कार्ड, 2 साल यूज़ किए, फिर कार्ड टू कार्ड अप्लाई किए, बैंक ऑफ बड़ौदा भी मिला, उसके बाद यहाँ पे IDFC के 78,000 मतलब यहाँ पे 78,000 का यहाँ पे लिमिट मिला। यहाँ पे इनको देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पे देखिए मिला और उसके बाद यहाँ पे IDFC भी मिल गया। फिर ये बोल रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लास्ट मंथ मतलब 2021 में दिसंबर के मंथ में इन्होंने एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन कराया, एक्सिस बैंक में अअकाउंट ओपन कराया, फिर यहाँ पे उन्होंने सिक्योर कार्ड ठीक है मार्च में सिक्योर कार्ड जो यहाँ पे मार्च आया था 2022 मार्च में सिक्योर कार्ड अप्लाई किए थे, कितने का यहाँ पे 52,000 लिमिट, मतलब यहाँ पे करीब यहाँ पे 63,000 का इन्होंने ये अप्लाई किया था, 65,000 का एफडी अप्लाई किया था, 65,000 की एफडी पे इनको 52,000 की लिमिट मिली थी, मतलब 80% यहाँ पे लिमिट मिली थी, 65,000 का इन्होंने एफडी किया और 52,000 का इनको लिमिट मिली ठीक है। देख लीजिए इन्होंने बताया 2 जुलाई को, उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्च में इन्होंने किया था, फिर 2 जुलाई को इनको क्या हुआ था, एक्सिस बैंक की तरफ से इनको फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड मिला, एक्सिस बैंक की तरफ से फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड मिला। देखिए जो बोल रहे हैं सब कुछ आपको यहाँ पे लाइव मैं आपको दिखा दूंगा ठीक है। 2 जुलाई को उनको एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड मिला जिसकी लिमिट यहाँ पे 18,000, ये अनसिक्योर कार्ड था ठीक है, अनसिक्योर कार्ड था, इनके पास एफडी कार्ड है उसके अलावा दूसरा कार्ड मिला ठीक है, एफडी जो है फ्लिपकार्ट का कार्ड मिला अनसिक्योर कार्ड जिसकी लिमिट 18,000 थी। फिर बोल रहे हैं कि और उसकी उसी मंथ में इनको माईजोन कार्ड भी ले लिया, उसकी भी सेम लिमिट 18,000 है, लेकिन बोल रहे हैं कि दोनों की लिमिट जो है शेयरिंग बेस पे नहीं है ठीक है, मतलब एक शेयरिंग बेस पे बोल रहे नहीं है, अलग अलग लिमिट है, मतलब फ्लिपकार्ट का भी 18,000 लिमिट मिला, माईजोन का भी 18,000 लिमिट मिला और एफडी कार्ड इनका अभी तक एक्टिव है, इन्होंने क्लोज नहीं कराया। बोल रहे हैं कि फिर ये इन जो स्टेटमेंट ये देखे कि मतलब 18,000 है लिमिट कम है, तो ये क्या किए नोडल ऑफिसर को मेल किया ठीक है, 18,000 लिमिट था, 18,000 लिमिट था प्लस ये 52,000 सिक्योर कार्ड में था, तो इन्होंने क्या किया मेल किया नोडल ऑफिसर को मेल किया और कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा से मतलब बोल रहे हैं कि जितने भी मेरे यहाँ पे अनसिक्योर कार्ड है सब में यहाँ पे कम लिमिट मिला, तो मैंने सबको मेल किया था, जैसे कि BOB में किए तो बोल रहे कि 1 साल से पहले नहीं हो सकता, येस बैंक में इनको मना कर दिया गया, दूसरा यहाँ पे बसता है एक्सिस बैंक तो वो बोल रहे हैं कि एक्सिस बैंक में क्या हुआ कि वो जैसे ही इन्होंने मेल किया बोल रहे कि देखिए 29 अक्टूबर को इन्होंने मेल किया नोडल ऑफिसर को फ्लिपकार्ट का यहाँ पे फ्लिपकार्ट और माईजोन क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रेस करने के लिए, लेकिन वो क्या किए इनकम प्रूफ भी उन्होंने दिया ठीक है, जो है इनकम प्रूफ वगैरह सब कुछ दिए, इनकम प्रूफ वगैरह देने के बाद क्या हुआ कि इनका लिमिट जो है जो 18,000 सिक्योर कार्ड का लिमिट तो है ही है, लेकिन 52,000 जो यहाँ पे अनसिक्योर कार्ड की लिमिट है जो सॉरी जो सिक्योर कार्ड की लिमिट है ठीक है,
52,000 से वो डायरेक्टली 1,15,000 हो गया, मतलब 52,000 से डायरेक्टली 1,15,000 हो गया, जो कि यहाँ पे कस्टमर केयर को कॉल करके पूछे भी कि भाई गलती से तो नहीं हुआ, सब कुछ वो कंफर्म भी कर लिए कि गलती से हुआ है, पता चला मैं यूज किया बाद में यहाँ पे रिवर्स कर लिया जाए, लेकिन वहाँ पे डायरेक्टली इनको बोला गया इनका यहाँ पे लिमिट इंक्रेस हो गया है, ये मतलब डायरेक्टली 52,000 से अब 1,15,000 हो गया, वो भी अभी तक FD भी ब्रेक नहीं किए हैं, ठीक है, यूज कर रहे हैं, कार्ड भी चल रहा है, सब कुछ यहाँ पे। अब सोचिए इतनी अच्छी यहाँ पे लिमिट इनको मिली है, कार्ड अनसिक्योर कार्ड भी मिल चुका है इनको, अब FD कार्ड में लिमिट इंक्रेस हो गया, बाय मिस्टेक हुआ कैसे हुआ कुछ कंफर्म नहीं हो सकता है, इनको यहाँ पे उसी कार्ड पे लिमिट इंक्रेस कर दिया गया, क्योंकि देखिए जब आपको कार्ड मिल जाता है तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि आपका कार्ड सिक्योर से अनसिक्योर हो जाता है, तो हो सकता है पहला कार्ड वो हो तो उसका लिमिट इंक्रेस करके दे दिया गया, और इन्होंने इनकम प्रूफ भी दिया, इनकम प्रूफ दिया तो जाके इनका यहाँ पे इनकम प्रूफ दिए, बैंक स्टेटमेंट दिए, सब कुछ दिए और लिमिट इनका इंक्रेस हो गया। अब देखिए इन्होंने सब कुछ मुझे ये बताया, अब मैं आपको स्टेटमेंट वगैरह दिखा देता हूँ, ये देखिए मुझे सब कुछ ये भेजे भी है। पहले तो मैं आपको यहाँ पे देखिए जो FD कार्ड था वो इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड का था, तो यहाँ पे देखिए आपको लिमिट में दिखा देता हूँ इंडियन ऑयल का, जो कि देखिए अभी जो है इनको कार्ड आया है रिप्लेसमेंट होकर आया है, कार्ड भी रिप्लेसमेंट होकर आया है, अब नया कार्ड आया है, पहले जो कार्ड था वो नहीं है, मतलब एक तरफ से जैसा मैं बोल रहा हूँ कार्ड सिक्योर से अनसिक्योर हो गया, ठीक है, तभी तो इनको नया कार्ड आया। देख लीजिए 1,15,000 की लिमिट है, ठीक है, इसमें एनुअल फीस वगैरह इसमें दिख रहा है, ज्वाइनिंग फीस 0 है, एनुअल फीस यहाँ पे 500 रुपये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कार्ड यहाँ पे नया इनको मिला। अब मैं आपको दिखा देता हूँ FD जो इन्होंने किया है, FD देख लीजिए आप यहाँ पे 30 मार्च 2023 को इनका रिन्यू होगा, जैसा कि मैंने बताया आपको मार्च में इन्होंने अप्लाई किया था, और 65,000 का यहाँ पे लिमिट है, 65,000 की लिमिट है, 65,000 की लिमिट है, तो उसका यहाँ पे 80% आप करेंगे तो 52,000 हो जाता है, ठीक है, तो देख लीजिए आपके सामने इन्होंने भेजा है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक इजी क्रेडिट कार्ड है, आपको ऊपर देखने को मिलेगा, ये पहले कल जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, नाम देख लीजिए आप यहाँ पे, और वो सब में भी नाम देख सकते हैं, और इसमें क्रेडिट लिमिट देख लीजिए, ठीक है, क्रेडिट लिमिट देख लीजिए 52,000 है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए माइजोन क्रेडिट कार्ड का जो है स्टेटमेंट इन्होंने भेजा है, माइजोन क्रेडिट कार्ड का भी यहाँ पे देखिए 18,000 लिमिट है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ, जो इंडियन ऑयल का अभी नया क्रेडिट कार्ड आया है, जो यहाँ पे नया अभी मिला है, वो देख लीजिए 1,15,000 हो गया है, ठीक है, 1,15,000 आपको यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा, और दोनों की लिमिट यहाँ पे अलग अलग है, जो यहाँ पे FD कार्ड है उस कार्ड का नंबर देख लीजिए लास्ट का, और ये जो नया कार्ड है वो कार्ड का नंबर यहाँ पे देख लीजिए। अब मैं आपको फ्लिपकार्ट का यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए फ्लिपकार्ट में भी 18,000 की लिमिट यहाँ पे दिखी है, मतलब तीनों कार्ड का स्टेटमेंट मुझे भेजे थे, फॉरवर्ड किए थे पासवर्ड के साथ, और तीनों कार्ड के देखिए मैंने यहाँ पे डिटेल दिखाया है, ठीक है, स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि बहुत लोगों का ये होता है कि ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे वो भेजे तो मैं आपको एक एक करके दिखा दिया। देख लीजिए FD भी दिखा दिया, प्लस यहाँ पे जो लिमिट है, कार्ड का स्टेटमेंट है, वो सब यहाँ पे बता दिया। देखिए जो इनका FD कार्ड था वो फर्स्ट क्रेडिट कार्ड था, और एक साल करीब यहाँ पे अभी हुआ भी नहीं था, मार्च में अप्लाई किए थे, मार्च में यहाँ पे समझ लीजिए अभी ये 12वां महीना चला, तो 10 ही महीने हुआ ही है, 10 या 9 महीना पकड़ के चलिए हुआ ही है। अब सोचिए उतने में यहाँ पे उनको जो कार्ड मिला था पहले इंडियन ऑयल का, वो कार्ड यहाँ पे बंद हो गया, वो कार्ड बंद हो गया, अब नया कार्ड इनको मिला है, और नए कार्ड पे नए लिमिट के साथ यहाँ पे मिला है, मतलब 52,000 से डायरेक्टली इनका लिमिट हो गया 1,15,000, और कार्ड भी इनको आ चुका है, देखिए मतलब वो जो कार्ड था पहले FD कार्ड वाला, उस कार्ड को बंद कर दिया गया, बस एक रिक्वेस्ट दिए नोडल ऑफिसर को, अपना यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स था वो दिए, और कार्ड सिक्योर से अनसिक्योर में कन्वर्ट हो गया है। अभी तक FD ब्रेक नहीं किए, क्योंकि FD अपने ऊपर है, जब आप चाहें ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो किए हैं अपने यहाँ पे सेफ्टी के लिए, अपने यूज़ के लिए, तो ये हिसाब से वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो भी है उनके ऊपर है, लेकिन किए नहीं है, यूज़ तीनों कार्ड यहाँ पे हो रहा है, और तीनों कार्ड में अलग अलग लिमिट है, जो हिसाब से ये बताया। तो देखिए पूरे प्रूफ के साथ मैंने बताया कैसे इनका हुआ, ये भी बताया, क्योंकि नोडल ऑफिसर इस समय यहाँ पे एक्सिस बैंक में बहुत यहाँ पे हद तक अच्छा यहाँ पे मतलब रिस्पांस मिलता है। देखिए उनका एक काम है, आप जब भी यहाँ पर रिप्लाई देंगे, जब भी यहाँ पर मैसेज करेंगे, मेल करेंगे, तो 10 दिन का टाइम लिया जाता है, तो 10 दिन वर्किंग डेज यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा उनके रिप्लाई के लिए, फिर उसके बाद ही आपके यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप मैसेज किए होंगे उस पर यहाँ पे काम करेंगे, देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको रिप्लाई देते, तो उसमें 1-2 दिन और जाता है, ठीक है, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा अगर यहाँ पे सही रहेगा
तो सारा कुछ यहाँ पे देखिए मैंने बताया कैसे इनका कार्ड मिला, फर्स्ट कार्ड, लास्ट कार्ड, सब कुछ यहाँ पे बताया जो इन्होंने बताया था। अगर इससे रिलेटेड अभी भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक्सिस बैंक से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएंगे, अप्लाई कर सकते हैं। प्लस बैंक ऑफ बड़ौदा से भी आपको रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, आई बटन में अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा कुछ मैंने बताया, अगर कुछ भी डाउट रहे जरूर पूछना। और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं स्टूडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।